एक कार प्रैक्टिकल तभी हो सकती है जब वो कॉर्नर्स और बेंड के अकॉर्डिंग स्टेयर हो सके। इसीलिए गाड़ी में होता है स्टेयरिंग व्हील। लेफ्ट जाना है लेफ्ट मोड़ो, राइट जाना है राइट मोड़ो, पीछे के व्हील्स बस साथ चल देते हैं। पर क्या हो अगर पीछे के व्हील्स भी स्टेयर करें? मैं बात कर रहा हूँ रियर व्हील स्टेयरिंग की। ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, और अब ये रियर व्हील स्टेयरिंग क्या भला है? सुनने में काफी टेक्निकल बट काफी इजी टेक्नोलॉजी है। टर्न लेते समय रियर व्हील्स सामने के व्हील से ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं। इससे बड़ी सी बड़ी गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफी छोटा हो जाएगा। टाइट पार्किंग स्पॉट या सिटी ड्राइविंग कंडीशन में बेस्ट है। जब कार की स्पीड एक सेट लिमिट से ऊपर हो, यानी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर, तो रियर व्हील्स सामने के व्हील्स की डायरेक्शन में ही मुड़ेंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम बदल जाएगा और मैन्युरेबिलिटी एकदम हैचबैक जैसी। रियर व्हील स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन के होंडा प्रिल्यूड में और आज कई लग्जरी कार में ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। हमारी ईवी का क्रैब वॉक फीचर भी इसी टेक पर बेस्ड है। इंडिया में रियर व्हील स्टीयरिंग कैसा रहेगा कमेंट्स में बताएं। ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।